विद्यार्थी मित्रों, दुनिया कहता है अगर आपने कभी फेल नहीं हुआ तो कुछ जीवन में नया चीज़ें ट्राई ही नहीं किया। और मेरा मानना तो ये है कि अगर आपने कभी फेल ही नहीं हुआ है, मतलब आप कभी भी अपनी कैपेसिटी से बाहर ट्राई ही नहीं किया है। अगर आपने फेल हुआ है तो कुछ ना कुछ तो करने को आपने ट्राई ज़रूर किया है। और जो काम इंसान पहला बार करता है उसमें तो फेलियर साथ आता ही है। बिलगेट्स भी अपने ज़माने में किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ करता था, लेकिन आज माइक्रोसॉफ्ट का MD बन के बैठा है और उसके नीचे PhD वाले लोग काम करते हैं। वाह। और मेरा तो मानना यह है कि ज्ञान का परीक्षा लेना संभव ही नहीं है। कोई आपके ज्ञान का परीक्षा कैसे ले सकता है? किसी के कह देने से कोई पास और किसी के कह देने से कोई फेल होगा, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई फेल होता ही नहीं, क्योंकि हर इंसान को पास कहने वाला एक इंसान जरूर होता और वो आपके कैंपस के अंदर ही होता। मतलब बिल्कुल सीधा है, किसी के कह देने से कोई पास नहीं होता, किसी के कह देने से कोई फेल नहीं होता। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये मंद बुद्धि हैं, इनको हम पढ़ा नहीं सकते, ये कह करके स्कूल से विदा कर दिया गया। पर उसका रिजल्ट क्या आया? साइंटिस्ट बन गया। मतलब बिल्कुल सीधा है, हर समय पास होने वाला इंसान का कुछ पता नहीं। पर इंसान अगर जिंदगी में फेल हुआ है तो साइंटिस्ट बना है। पर मैं उन इंसानों का बात नहीं करता जो इंसान कुछ करना ही नहीं चाहते जिंदगी में और फेल होते हैं, उनका बात मैं नहीं कर रहा। जो इंसान कुछ करना चाहते हैं फिर भी फेलियर साथ में लगा तो जरूर किसी न किसी दिन साइंटिस्ट बनेगा, चाहे उसके पास डिग्री हो या ना हो। साल भर के जर्नी में वैल्यू उस कागज के टुकड़े का नहीं होता जो आपके सर्टिफिकेट के रूप में मिलता है, वैल्यू उस ज्ञान का होता है जो साल भर के जर्नी में आपने सीखा होता है। मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, इस दुनिया में आपके सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं होता कि आप फेल हैं या पास। आप पास हैं या फेल कोई नहीं पूछता, आपने हासिल क्या किया अपने ज़िंदगी में पूछा ये जाता है। और कुछ हासिल करना और डिग्री के रूप में पास होना, दोनों में कोई लिंक नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो स्कूल से निकाला गया था ना। मतलब बिल्कुल सीधा है, आपके ज्ञान से और आपके सर्टिफिकेट में फेल और पास से कोई लिंक नहीं है। मेरा तो मानना है कि परीक्षा लेने का सिस्टम जो भारत देश में, वाइस गलत है। प्रॉब्लम सिस्टम में ही है। इसलिए आप फिर से उठिए और फिर से चलना शुरू करिए। कीप ट्राइंग। हार ना मानो तो कोशिश बेकार नहीं जाता, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। पर अगला लाइन मैंने इसमें और जोड़ दिया, सिर्फ सोचते रहने वालों का कभी जीत नहीं होता। इसलिए आप काम करने पे भरोसा रखिए और एक आदर्श विद्यार्थी बने, जिसका मकसद हर वक्त सिर्फ सीखना और सीखना ही होता है।